गुड इवनिंग बेटा। लॉज ऑफ मोशन में हम बात कर रहे थे, हमने कुछ फोर्सेस को देखा था और फ्रिक्शन छोड़ के हमने बाकी सारे फोर्सेस के बारे में जान लिया था, जिसमें फर्स्ट था वेट, सेकंड था आपका नॉर्मल रिएक्शन भी आप इसे कह सकते हैं, खाली रिएक्शन भी कहा जाता है बट एक्चुअल टर्म है नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड फोर्स हमने पढ़ा था टेंशन, और लास्ट फोर्स हमने पढ़ा था स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, हाँ, अब इन चारों फोर्सेस के बारे में हमें पता है, तो अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। डायरेक्टली लिख लीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉस। एक्चुअल में तो मेन जो लॉ है वो सेकेंड लॉ ही है बेटा। हाँ, फर्स्ट लॉ भी उसी में था, और यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, थर्ड लॉ भी उसी में था, बट ऑब्वियसली अलग अलग कहा गया तो हम अलग अलग याद करेंगे। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, समेशन एफ या नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये हमें अप्लाई करना है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं आपको सीधे सीधे स्टेप्स लिखा रहा हूं। ठीक है, स्टेप वन, मेक अ नीट स्केच ऑफ द प्रॉब्लम। भाई अगर प्रॉब्लम आपको स्केच के फॉर्म में दी हुई है तो ठीक है, अगर वर्ड में दी हुई है तो आपको सबसे पहले उसका स्केच बनाना है, मतलब आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि क्या उसमें हो रहा है। ठीक है, स्टेप टू लिखिएगा, स्टेप टू है आइसोलेट अ बॉडी एंड अप्लाई ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। उस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, वो फोर्सेस कैसे कैसे हो सकते हैं, वेट हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, टेंशन हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है, फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं, फ्रिक्शन भी हो सकता है, बट बाकी सारी चीजें नहीं, अभी हमें फोर फोर्सेस पे कंसेंट्रेट करना है। तो जिस डायरेक्शन में लग रहे हो, जिस पॉइंट पे लग रहे हो, वो सारे आप शो कर दीजिए। तो आइसोलेट अ बॉडी एंड अप्लाई ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इंक्लूडिंग एक्सेलरेशन इफ एनी। अगर कोई एक्सेलरेशन है तो वो भी आप दिखा दीजिए, फाइन। हाँ, ये बॉडी जो दूसरों पे फोर्स लगा रही वो नहीं लगानी, जो इस पे फोर्स लग रहे हैं उनको लगाना है। ठीक है, इसी को आप कहते हैं एफ बी डी या फ्री बॉडी डायग्राम। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट को लेना है और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देना है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है किसी भी एक बॉडी को आइसोलेट करना, जैसे हम वो ब्लॉक्स को कर रहे थे, उसमें हम वेट लगा रहे थे, उस पर हम नॉर्मल लगा रहे, फाइन, ओके। स्टेप थ्री लिखिएगा, हाँ, स्टेप थ्री है चूज अ कन्वीनियंट, चूज अ कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स और वाई एक्सिस चूज करने हैं बेसिकली आपने। हाँ, जनरली 2D होंगे, 3D भी हो सकते हैं, बट स्टार्टिंग में तो 2D ही होंगे। ठीक है, चूज अ कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रिजॉल्व फोर्सेस along x and y axis। ठीक है, तो अपने फोर्सेस के कॉम्पोनेंट ले लीजिए x एक्सिस और y एक्सिस के along। चलिए स्टेप थ्री आपका हो जाए, स्टेप फोर, हाँ जी, स्टेप फोर लिखिएगा। अब न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई इक्वेशन summation fx is equal to m into ax
एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई। ये बात समझ में आई, जो बॉडी का मास है उसके साथ उसका एक्सेलरेशन। अब एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कौन देगा? एक्स एक्सिस वाले फोर्स, और वाई एक्सिस में कौन देगा? वाई एक्सिस वाले फोर्स। बात समझ में आई? चलिए, तो आप देखेंगे आपके पास यहां पे दो इक्वेशन हो सकती हैं। अगर एक्स और वाई दोनों में एक्सेलरेशन है, अगर केवल एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो एक ही इक्वेशन, ठीक है। ओके, अब जरा सी यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं स्टेप फाइव लिख रहा हूं। हाँ, स्टेप फाइव पे ध्यान दीजिएगा। स्टेप फोर गिव्स मैक्सिमम ऑफ टू इक्वेशन। अभी मैं 2D की बात कर रहा हूं, 3D होगा तो 3 इक्वेशन मिल सकती है, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम ऑफ टू इक्वेशंस इफ योर अननोन आर लेस देन टू इक्वेशंस, लेस देन टू कर लीजिए, इक्वेशंस नहीं, लेस देन टू कर लीजिए। हाँ भाई, अननोन मतलब जैसे दो ही फोर्स हैं आपके पास और दो इक्वेशन मिल रही हैं, ठीक है, लेस देन टू और इक्वल टू टू कर लीजिए, लेस देन टू और इक्वल टू टू, दो फोर्स दो इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। बट तीन फोर्सेस अननोन हैं और आपके पास दो इक्वेशन है तो और इक्वेशन चाहिएंगे, ठीक है। हाँ, गो टू स्टेप टू एंड चूज अनदर बॉडी, ठीक है। ओके, फिर स्टेप फाइव फोर तक आएंगे, फिर से आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। अगर चार अननोन है, चार इक्वेशन है, काम चल जाएगा, नहीं तो फिर से चले जाइए। बात समझ में आई? तो ये आपके जैसे वो कंप्यूटर में आप लोग लूप बनाते होंगे ना, किए कंप्यूटर में कोडिंग वगैरह, तो लूप बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने बना दिया, ठीक है। तो ये उस वे में लैंग्वेज लिख दिया आपके, बिल्कुल इसको नोट कीजिए, फिर एग्जांपल देखें, एग्जांपल में बहुत आसान है बड़ा। हाँ, वो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, तो ये स्टेप्स हो गए, फाइव स्टेप में आपको काम करना है। एंड रिपीट भी लिख लीजिए इसको, ठीक है। चल, अब देखिए, पहले बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। ये हो सकता है आपने नाइन्थ में किया हो और आपको बिल्कुल आपको ये जो मेथड मैंने बताया इसकी कोई जरूरत ही ना पड़े आपको, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए ये दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमें अप्लाई कैसे करना है। ओके, ये मेरे पास 1 kg का ब्लॉक है, मैंने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया है 10 N का, मेरी सरफेसेस जो है वो स्मूथ हैं। स्मूथ का मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो हमने फ्रिक्शन पढ़ा भी नहीं और हम उसे लगाएंगे भी नहीं, ठीक है। ओके, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। बिल्कुल ही सस्ता वाला क्वेश्चन मैंने एक ले लिया है, सस्ता समझते हैं ना। चलिए, तो अब आपने क्या किया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे। आपने एक ब्लॉक बनाया, ये ब्लॉक का आपने मास 1 kg है, तो आपने कहा सर इस पे पहला फोर्स लग रहा है, ओके, मैं इसे 1G लिख रहा हूं अभी, ठीक है। हाँ, ये मेरा वेट है, तो यहां पे आप चाहें तो FBD लिख सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आपने 1G लिखा, ठीक, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा बेटा? बिल्कुल सही बात है आपकी, यहां पे देखिए कॉन्टेक्ट है, तो ग्राउंड इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, एक हमने नॉर्मल लगा दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, दो फोर्सेस हो गए, ठीक। एक फोर्स आप पुश कर रहे हो, 10 N का आपने अप्लाइड फोर्स लगाया हुआ, ये फोर्स भी आपको लगाना पड़ेगा बेटा। जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस, कोई और फोर्स लग रहा है क्या? चेक कर लो भाई,
हमने क्या क्या ले लिया, दो नॉर्मल ले, दो नॉर्मल हो गए, दो समझ रहे हैं, 10 न्यूटन वाले को भी मैं नॉर्मल ट्रीट कर रहा हूँ क्योंकि कोई पुश कर रहा होगा तो नॉर्मल ही होगा, ओके। तो वेट नॉर्मल, टेंशन होगा क्या, कोई रोप दिख रही है, कोई रोप नहीं दिख रही तो टेंशन होगा ही नहीं, तो अपने को भी टेंशन नहीं लेना, बात समझ में आ गई। चलिए, स्प्रिंग है क्या, स्प्रिंग नहीं तो स्प्रिंग फोर्स भी नहीं होगा, कहानी खत्म होगी, ठीक। हाँ, लेकिन 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 अगर आप इसे पुश करोगे तो ये किस साइड जा सकता है, अभी तो फ्रिक्शन है नहीं तो पक्का है जाएगा, अनबैलेंस फोर्स किधर है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आप ए, ये आपका स्टेप टू कंप्लीट हुआ, आपने फ्री बॉडी डायग्राम ये बना, आपका पूरा फ्री बॉडी डायग्राम, सारे के सारे फोर्सेस आए और एक्सेलरेशन आया। अगर फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना तो क्वेश्चन कभी सही होगा ही नहीं। तो लाइन से याद रखिएगा कि मुझे कौन कौन से फोर्सेस देखने हैं, तो पांच फोर्सेस देखने हैं, पांच में से एक अभी हमने पढ़ा नहीं है, वेट नॉर्मल टेंशन और स्प्रिंग, इन चारों को देख लीजिए। टेंशन और स्प्रिंग तभी लगेंगे जब रस्सी होगी और स्प्रिंग फोर्स में स्प्रिंग होगा, ठीक है। चलिए, ओके, अब एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उधर एक एक्सिस जरूर चूज करनी है, लिख लीजिएगा, ऑलवेज चूज वन एक्सिस along acceleration और दूसरी उसके परपेंडिकुलर रख दीजिएगा, बात समझ में आ गई। तो किसी ने कहा सर हमने ये x ले ली तो अपवर्ड वाली क्या हो जाएगी, y, या हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो हम स्टैंडर्ड x y लेते हैं वही ले लिया, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। सेकेंड स्टेप भी हो गया, x और y चूज कर ली। अच्छा, यहाँ पे देखिए वेट किस डायरेक्शन में है, वेट y डायरेक्शन में, नॉर्मल किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और 10 न्यूटन वाला फोर्स किस डायरेक्शन में, एक्स, ठीक, ओके। आप में से कोई मुझे बता सकता है ए वाई कितना होगा, ए वाई कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, ए वाई जीरो आएगा बेटा, ठीक है। अब अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ, समेशन एफ एक्स is equal to m into ax and summation fy is equal to m into ay, लिख लिया। अब इनको कैसे अप्लाई करेंगे, x एक्सिस के फोर्स देखिए, डायग्राम देखिए, x एक्सिस में कौन सा फोर्स, केवल एक फोर्स लग रहा है, x एक्सिस में केवल एक फोर्स 10 न्यूटन वाला, समझ में आया, हाँ देख लो कोई और आपको समझ में आता हो तो, अरे भाई हो सकता है आपको दिख रहा हो मुझे ना दिख रहा हो क्या, पर चलो एक ही है ना, चलो तो आप क्या लिखोगे, 10 इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन हमारा था a, ये हमारी बनी इक्वेशन वन, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, कभी कोई गलती नहीं होगी, कुछ और मेथड कहीं से इधर उधर देख के करेंगे तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। अच्छा, y के लिए कौन कौन से फोर्स, y में देखो, y में कौन से फोर्स, एक तो नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स पॉजिटिव, लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, माइनस वन जी इज इक्वल टू जीरो, लिख सकता हूं, ये बनी बेटा सेकेंड इक्वेशन, क्लियर है। हाँ, आप चाहें तो यहां पे 10 इज इक्वल टू 1 ए भी कर सकते हैं, तो यहां से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m तो 1 kg है ना, ओके, और नॉर्मल कितना आ जाएगा, 1g, जी की वैल्यू अगर 10 है, मेरी क्लास में आप 10 ही लेंगे, तो नॉर्मल आपका कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, बात समझ में आई। ओके, यहां पे आपको बेटा ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन का, ये फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता है, और अगेन आपके पास जो ब्लॉक है वो 1 kg का ब्लॉक है, और आपको ये सरफेस जो दी गई है वो स्मूथ दी गई है, यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और नॉर्मल फाइंड करना है। अब देखिए
इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपने, भाई हमने क्या किया, सबसे पहले ब्लॉक लेना है और जिस डायरेक्शन में, जैसे शेप में ब्लॉक रखा हुआ है ना, छोटा बड़ा आप बिल्कुल बन सकता है, बट डायरेक्शन ऑलमोस्ट वही रखिएगा। ये नहीं कि आपने बॉक्स को सीधा बना दिया, ऐसे नहीं बनाना है। जिस डायरेक्शन में वो प्लेस किया हुआ है, 30 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन में है, तो बिल्कुल वैसे ही बनाइए। बात समझ में आई? तो ये आप बना रहे हैं FBD ऑफ ब्लॉक, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। पहला फोर्स वेट लिख लेना बेटा, साइड में लिख लेना वेट, फिर नॉर्मल, फिर फ्रिक्शन, अभी है नहीं तो भूल जाइए, यहाँ पे अगर टेंशन है तो टेंशन, ठीक, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब पहला फोर्स आपने दिखाया, ये रहा आपका 1G फोर्स। बात समझ में आ गई? ठीक, नॉर्मल किधर लगेगा, नॉर्मल देखो किधर लगेगा, कॉन्टेक्ट सरफेस देखो, कॉन्टेक्ट सरफेस ये रही आपकी, इसके परपेंडिकुलर लगेगा और बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, ध्यान रखना ये वाली सरफेस से। यहां पे भी आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये रही बेटा कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है, इस बॉडी से यहां पे इधर लगेगा, दूसरी साइड से बाहर निकल जाए टेंशन नहीं। अरे वो तो हम खाली एरो शो कर रहे हैं ना, यस यस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, तो वेट हमारा दिख गया, नॉर्मल हमारा दिख गया, क्या टेंशन होगा, कोई रस्सी बांधी है, टेंशन होगा नहीं, स्प्रिंग भी नहीं दिख रहा है, तो आगे की चिंता हमें नहीं करनी। अब सोचिए अगर सरफेस स्मूथ है तो एक्सेलरेशन किधर होगा, आराम से एक्सेलरेशन किधर होगा, पैरेलल टू इंक्लाइंड ऐसी जाएगा, तो बस ये आप एक्सेलरेशन ए लिख दीजिए यहां पर। बात समझ में आई? तो ये हमारा पहला स्टेप, सेकंड स्टेप हो गया, डायग्राम हमने बना लिया था, अब हमने उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आप जो अपना एक्स एक्सिस चूज करेंगे वो ऐसे चूज कीजिए और वाई इसके परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? बिल्कुल। और आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में बनाइए और इस कॉपी को आप चाहें तो रोटेट कर लीजिए, नहीं उसके बिना भी काम हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, अब हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे कहा था एक्स और वाई हमारे चूज हो गए अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, का मतलब ही यही है कि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक, लेकिन हर डायरेक्शन थोड़ी कन्वीनियंट होगी। तो मैंने आपको एक मेथड क्या बताया, ट्रिक बता दी बेटा, इसे याद रखना हमेशा, जिधर एक्सेलरेशन हो उधर एक एक्सिस जरूर लेनी, जिधर एक्सेलरेशन है उधर एक एक्सिस आंख बंद करके ले लेना, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो अब हमें ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, 1G वाला देखें, नॉर्मल वाला तो वाई एक्सिस पे ही है, लेकिन 1G वाला वाई एक्सिस पे नहीं, इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, कॉम्पोनेंट लेने पड़ेंगे, कॉम्पोनेंट लें, चलिए जी दो कॉम्पोनेंट आएंगे, ओके, एक तो मैं दिखा रहा हूं ये वाला कॉम्पोनेंट रेड कलर से, और एक मैं हाईलाइटर से दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, और एक मैं आपको दिखा रहा हूं ब्लू कलर से, इनकी बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। ये हमारा था 1G cos 30, mg cos थीटा आया था बेटा, अगर इंक्लाइन का एंगल थीटा था तो mg cos थीटा, यहाँ पे m की वैल्यू 1G cos 30, और रेड वाला कॉम्पोनेंट mg sin 30, ये बात समझ में आई? अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो हमारा फोर्स था ना, कौन सा, 1G वाला, ये 1G फोर्स को अब भूल जाना, क्योंकि हमने इसकी जगह क्या ले लिए, इसके दो कंपोनेंट। तो नेट में अगर आप देखेंगे, हाँ मैं आपके समझने के लिए कोशिश करता हूं इसको डिलीट करने की, नेट में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 3 फोर्सेस हो गए, हाँ जी, नेट में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 3 फोर्सेस हो गए, कौन कौन से, एक तो 1G sin 30, मैंने mg लिखा है, m1 है,
ओके okay. अरे रे रे रे, ये तो गायब हो गया। हाँ चलिए कोई बात नहीं, यहां से जा नहीं रहा। अच्छा अब आप मुझे बता दीजिए, एक्स एक्सेस के फोर्स कौन कौन से, समीशन एफ एक्स, एक्स एक्सेस के फोर्स कौन कौन से? एक ही फोर्स देख रहे हैं। ओके क्या लिख दूं, 1g sin 30 लिख दूं। एक्स एक्सेस में एक ही फोर्स है बेटा, ये वाला फोर्स है रेड कलर से जो आपको कंपोनेंट दिखाया हुआ है। ओके दैट इज इक्वल टू 1 into a। कोई डाउट तो नहीं? बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लिखेंगे समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। अच्छा ए वाई कितना है बता दो जरा, ए वाई कितना है? अरे इंक्लाइंड में पैरेलल जा रहा ना, परपेंडिकुलर ऊपर थोड़ी चलने लगेगा, हवा में अपने आप थोड़ी उड़ जाएगा। ठीक तो ए वाई 0 हो गया। अच्छा एफ वाई डायरेक्शन के फोर्स देखो कौन कौन से। बिल्कुल सही, एक आपने कहा एन है, मैंने लिखा एन। एन पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन रही तो एन पॉजिटिव है। ठीक है ओके। एन माइनस 1g cos 30 दैट इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? मैं एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखा रहा हूं। यहां से जब आप देखेंगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा g sin 30, एक्सेलरेशन आ जाएगा g sin 30 degree, या आप इसे कह सकते हैं g/2 m/s² लिख दूं। अच्छा और नॉर्मल कितना आ गया, 1g cos 30 degree, दिस मच न्यूटन, क्योंकि मैंने ऐसा यूनिट ली हुई है, केजी में था ना। Yes. कितनों को बात समझ में आई? अब हमने एक क्वेश्चन कर लिया बेटा, अब रटने वाली चीज देखिए, समझ तो लिया अब रट लेंगे। ठीक है मान लीजिए मेरे पास कोई ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास m है, कुछ भी मास हो सकता है, m जो है 1 kg 2 kg 3 kg कुछ भी। ठीक है और अगर आपसे कह दिया जाए कि आपकी सरफेस स्मूथ है, ठीक, और कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा, याद रख लेना, एक्सेलरेशन आपका आएगा g sin थीटा और नॉर्मल आपका आएगा mg cos थीटा। चाहो तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लो, ऐसे करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। ठीक है एक इधर नॉर्मल दिखाओगे, एक कंपोनेंट mg cos थीटा। एक्चुअल में तो आप पहले mg दिखाएंगे बट मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं। ऐसे बनेगा बेटा, समझ में आया? तो आपकी एक इक्वेशन आ जाती है mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, एक इक्वेशन ये आएगी, यहां से आपका m और m कैंसिल होगा, a इज इक्वल टू g sin थीटा आ जाएगा, और दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0, यहां से n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, mg cos थीटा के बराबर। ध्यान रखना इसका, ऐसे क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे। ओके ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, इसमें हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक आपको रेड कलर से दिखाया गया है, ग्रीन कलर से। ओके इसको हम ले लेते हैं 10 kg और इसको हम ले लेते हैं 5 kg। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ठीक है इसका मतलब अभी हमें फ्रिक्शन की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने पढ़ा भी नहीं इसलिए हम सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में। ठीक हाँ वैसे आपके बाद बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें बिल्कुल फ्रिक्शन लगा होगा। अब आपने क्या किया बेटा, एक फोर्स लगा दिया इस पे, आपने फोर्स लगा दिया 30 न्यूटन का, 30 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया। फाइन एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक
ओके आप इसे A10 एंड A5 कह सकते हैं, ये दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं ठीक। और साथ में आपको N1 N2 ये नॉर्मल रिएक्शन है जो ग्राउंड लगा रहा है, और एक रिएक्शन लग रही होगी 10 केजी और 5 केजी के बीच, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मैं कह रहा हूं R, रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो A10 हमने का एक्सेलरेशन ऑफ 10 केजी ब्लॉक, A5 हमने का एक्सेलरेशन ऑफ 5 केजी ब्लॉक, N1 N2 ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक किसी ब्लॉक को आइसोलेट करना है। उससे पहले एक चीज छोटी सी सोचिए, 10 केजी को तो मान लीजिए आप पुश कर रहे हो 30 न्यूटन के फोर्स से, 5 केजी को कौन पुश करता है? 5 केजी को कौन पुश कर रहा है ये मुझे बता दीजिए। बिल्कुल सही आपका आंसर है कि 5 केजी वाले ब्लॉक को 10 केजी वाला पुश कर रहा है। कैसे पुश कर रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ठीक। अच्छा अब अगर 10 केजी वाला 5 केजी को पुश कर रहा है, इसका मतलब दोनों का कांटेक्ट में होना जरूरी है, और अगर दोनों का कांटेक्ट में होना जरूरी है तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। ये समझ में आया नहीं आया, 5 केजी को 10 केजी पुश कर रहा है, दोनों का कांटेक्ट में होना जरूरी है मोशन के लिए, अगर मोशन ही नहीं होगा 10 केजी और 5 केजी के बीच में गैप होगा तो वो चलेगा कैसे ठीक। 5 केजी का एक्सेलरेशन ज्यादा हो नहीं सकता ठीक, तो दोनों का एक्सेलरेशन, इसलिए हमने यहां पे आपसे क्या पूछा है ए बता दीजिए। बट ये आपको समझना पड़ेगा कि किसका एक्सेलरेशन कम है, ज्यादा है या इक्वल है ठीक है। चलिए तो अब आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले 10 केजी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फोर्सेस बताइए जल्दी से मुझे, पहला फोर्स वेट, बहुत बढ़िया, एक ये लगा 10 जी। नॉर्मल कितने हैं? जितनी जगह कांटेक्ट है, कांटेक्ट एक तो है ग्राउंड के साथ, ये ब्लू कलर से आपको दिखाया, दूसरा है ग्रीन ब्लॉक के साथ। बात समझ में आ रही है, आराम से सोच के देखो, अरे भाई 5 केजी के साथ भी तो है, 5 केजी को पुश कर रहा है ठीक। तो मैं यहां पे भी आपको दिखा दे रहा हूं, ये ब्लू कलर और ये ग्रीन और ब्लू भी दिखा दे आपको, ये देखें ये दोनों, ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको शुरू में समझ में आए कि हमें नॉर्मल कहां लगाने। ओके तो एक नॉर्मल आपका लगा ये, इसे हमने कह दिया N1 फाइन, और ध्यान रखना कि किसको क्या नाम दिया हुआ है। अच्छा ग्रीन वाले पे हमने आपसे कहा था आर फोर्स, किधर लगेगा आर फोर्स? चलिए ब्लू कलर से आपको दिखा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, कॉन्टेक्ट सरफेस जो है उसमें इनटू द बॉडी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इनटू द बॉडी, 10 केजी वाले ब्लॉक में ये अंदर की ओर चला जाएगा 10 केजी का, और इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? इधर। हाँ जी, दो नॉर्मल लग गए, एक वेट लग गया, रस्सी है नहीं, स्प्रिंग है नहीं, रस्सी मतलब स्प्रिंग रोप ठीक है। बात समझ में आई, आर इज रिएक्शन फोर्स, ये रही आपकी आर फोर्स, ये मैंने कहा था ना बिटवीन द ब्लॉक्स, जो एक ब्लॉक दूसरे पे लगा रहा है ठीक है। एक्स और वाई कैसे चूज करेंगे? देखिए एक चीज ये समझना जरूरी कि मैंने सारे फोर्स लगा लिए कि नहीं लगा लिए, क्योंकि अगर आपने एक भी फोर्स मिस कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और जनरली फोर्स कभी मिस होंगे ही नहीं अगर आप इस वे में करेंगे तो। जितनी रस्सियां उतने टेंशन, जितने स्ट्रिंग उतनी टेंशन ठीक है, आपको नहीं डायग्राम को, क्लियर? हाँ, तो 10 स्ट्रिंग है 10 टेंशन, अपने को कहेगा टेंशन। ओके जितने कांटेक्ट हैं और जितनी जगह प्रेस हो रहा है उतने नॉर्मल, वेट एक, अरे वेट दो चार मत कर देना भाई, वेट तो अर्थ एक ही जगह खींचेगी ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ओके
स्प्रिंग, जितनी जगह स्प्रिंग लगा उतने स्प्रिंग फोर्स, बिल्कुल सही बता, ठीक है। अच्छा अब एक्स और वाई ऐसे ले लें, मैंने आपसे कहा था जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उधर एक्स और इसके परपेंडिकुलर वाई। हाँ अच्छा, कोई अगर वाई नीचे के डायरेक्शन में लेना चाहता तो कोई बुराई नहीं है, आप वो भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, बता दूंगा बाद में, ठीक है। चलो अब क्या होगा, एक्स एक्सिस के फोर्सेस कौन कौन से। अच्छा एक फोर्स रह गया भाई, एक फोर्स रह गया, देखिए आप में से किसी ने ध्यान नहीं दिया, 30 न्यूटन का फोर्स भी तो लग रहा है। हाँ ये भी तो नॉर्मल हो गया ना 30 न्यूटन का, भाई आपने पुश किया या मैंने पुश किया, कोई तो पुश कर रहा है ना, तो वो फोर्स भी तो लगाना पड़ेगा, तो सारे फोर्सेस लगाने। ओके अब जरा देखें इक्वेशन क्या बनी, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, जल्दी बताओ एक्स एक्सिस में कितने फोर्स, एक्स एक्सिस में कितने फोर्स, 30 न्यूटन का एक पॉजिटिव फोर्स और एक नेगेटिव फोर्स माइनस आर, बात समझ में आई। ब्लू कलर वाला फोर्स देखिए, ब्लू कलर वाला कंसेंट्रेट कीजिए, ओके 30 माइनस आर इज इक्वल टू एम इन टू ए, या आप लिख सकते हैं 30 माइनस आर इज इक्वल टू 10 इंटू ए, लिख दूं, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा जी ये तो हमारी हो गई एक्स एक्सिस की इक्वेशन, वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस की N1 minus 10G is equal to 0। ऐसा क्यों भाई, वाई एक्सेस में अपने आप ऊपर थोड़ी चलने लगेगा, ठीक है। हाँ वाई एक्सेस में तभी जाएगा जब नॉर्मल की वैल्यू 10G से ज्यादा हो जाएगा, अपने आप तो होने से ही जब आप फोर्स लगाओगे तभी होगी, वो बात करेंगे, वो नॉर्मल की नहीं होगी, वो आपके पुल की होगी, ठीक है। हाँ वो अभी कराएंगे, उसकी चिंता मत करो, ये समझ में आया। तो यहां से आपके N1, ओके इसको अभी इक्वेशन लिख लेते हैं, अभी इक्वेशन पहले वो वाला टर्म समझा दूं आपको, हाँ फिर सॉल्व करना, फिर सॉल्व करना, जल्दीबाजी मत करो। ये फर्स्ट इक्वेशन आई, ये सेकंड इक्वेशन आई, दो इक्वेशन हो गई, अननोन कितने हैं, अननोन कितने हैं, ए N1 और आर, 3 अननोन और 2 इक्वेशन, दिख रहा है। अरे भाई N1 आपने माना तो अननोन ही हो गया ना, ओके कुछ लोग कह रहे हैं सर इसको सॉल्व करके तो एक काम हो जाएगा, कर लो भाई, कर लो, नो टेंशन, इसको सॉल्व करके आपका N1 की वैल्यू क्या आ गई बता दो, मुझे भी बता दो, 10G आ गई। हाँ जी की वैल्यू 10 अगर है तो 100 न्यूटन हो जाएगी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, लिख दो, N1 इज इक्वल टू 10G, कोई बात नहीं, जो आपके मन में आए वो उसे करिए जरूर। अब देखिए आपके पास इक्वेशन कितनी बची, एक, अब दो नहीं बची, एक दूसरी को तो यूज कर लिया ना, हाँ एक इक्वेशन बची और 2 अननोन अभी भी हैं, नॉर्मल गायब हो चुका, ये आंसर आ गया आपका। तो एक इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व नहीं कर सकते ना, मैथ्स में तो ये सीखा हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब लेके आएंगे वो स्टेप 2 पे वापस गए और अब लिया 5 kg वाला ब्लॉक, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 5 kg का, बहुत ध्यान से, पहला फोर्स कौन सा, पहला फोर्स 5G, दूसरा फोर्स N2, नाम अलग दे रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट सरफेस समझ में आ रही है, हाँ एक तो ये थी और एक आपकी रिएक्शन वाली थी, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिएक्शन वाली भी देख लेते हैं, तो वो रिएक्शन किधर लगा दूं, बोलो बोलो आर किधर लगा दूं, लेफ्ट साइड, नहीं लेफ्ट, लेफ्ट सरफेस पे तो लगेगा, जाएगा किधर, डायरेक्शन कौन सी होगी फोर्स की, इनटू द बॉडी, ऐसे लगेगा बेटा, क्योंकि ये पहले वाले का 10 kg वाले का रिएक्शन पेयर है, कुछ डाउट है बेटा, 10 kg में जो आर लग रहा था वो एक्शन था, ये एक्शन है,
ये इसकी रिएक्शन है, सबकी एक्शन रिएक्शन होगी बेटा, साइमल्टेनियसली लग रही होगी। अच्छा एनवन की रिएक्शन कहां होगी, एनवन की रिएक्शन बताओ जरा, एनवन की रिएक्शन बताओ, एनवन किसने लगाया फोर्स, ग्राउंड ने, तो ब्लॉक जो ग्राउंड पे लगाएगा, ग्राउंड का तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बना नहीं रहे, यहां पे एक फोर्स ऐसे लग रही होगी N1, एक फोर्स ऐसे लग रही होगी N2, ये ग्राउंड पे लग रही है, अर्थ पे लग रही है, समझ में आया? हाँ, वो टेंजी जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ पे लग रही होगी, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा साथ में एक्सेलरेशन भी तो दिखा होगा, एक्सेलरेशन भी दिखा दिया। अच्छा चलो, क्या कोई फोर्स छूटा तो नहीं, सोच लो पिछले बार एक छोड़ दिया था 30 न्यूटन वाला फोर्स, असली फोर्स छोड़ दिया, चेक कर लो कोई और फोर्स तो नहीं लग रहा है। अरे 30 न्यूटन इस पे मत लगा देना, वो 10 kg पे लग रहा था बेटा, वो लगा दिया, 30 न्यूटन इस पे नहीं लग रहा है, इस पे तो आर लग रहा है, यही समझाना आपको, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या इक्वेशन बनी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ, एक्स एक्सिस आर इज इक्वल टू 5a। अब मैं पूरी समेशन एफएक्स वगैरह नहीं लिख रहा हूं, आर इज इक्वल टू 5a लिख दूं, एक्स एक्सिस में केवल एक फोर्स है आर, और वो ही आपको एक्सेलरेशन दे रहा है, अभी ने तो मुझे कहा था वही तो पुश कर रहा है, तो आर इज इक्वल टू 5a हो गया, और N2 इज इक्वल टू 5g हो गया। ओके, इसको थर्ड इक्वेशन कर लीजिए, इसको फोर्थ कर लीजिए, क्योंकि 1, 2 तो पहले बना चुके हैं। ये y एक्सिस की इक्वेशन है 5 kg ब्लॉक के लिए, कहीं कोई डाउट मन में आ रहा हो तो पूछ लें। अब बेटा अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या हो गया, देख लेते हैं, N1 और N2, सॉरी N1 हमने निकाल लिया था ना, N1 आपने निकाल लिया था, ये चलो मान लो A, N1, N2 और R, 4 अननोन है और 4 इक्वेशन, ठीक है, 4 अननोन 4 इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से सॉल्व करके बताओ, N1 हमने निकाल लिया था, N2 कितना आया? ओके, मैं लिखता चल रहा हूं, N1 हमारा 5g आया, N2 हमारा 10g आया, ठीक है, ओके। अब हमें A और R निकालना है और 2 इक्वेशन हमारे पास हैं, ठीक, कैसे निकलेगा वो दिखा दे रहा हूं आपको, एक इक्वेशन हमारी है 30 - R इज इक्वल टू 10a और दूसरी इक्वेशन है R इज इक्वल टू 15a। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, देखो क्या आएगा, सॉरी R इज इक्वल टू 15a नहीं 5a है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, हाँ बोला भी मैंने 15a, 5a है, 5a है बेटा, थर्ड इक्वेशन जो है वो R इज इक्वल टू 5a है, सॉल्व करो, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, देखो हाँ a इज इक्वल टू 2 m/s² ये आ गई। किसी तरह का मन में कोई डाउट आ रहा हो, ठीक, अच्छा इस वैल्यू को रख दो, R की वैल्यू 10 न्यूटन आ जाएगी, R इज इक्वल टू 5a है ना, ये आ गया, बात समझ में आई? अब जरा सी कंसेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सॉल्व करने का, लेकिन अब देखो शॉर्टकट, ये इक्वेशन देखो, 30 इज इक्वल टू 15a, ये कहां से आई, देखो देखो देखो, आपका जो डायग्राम था वो ऐसे बना था, यहां पे 10 है, ये 5 है, ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इफ टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट, इफ टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट एंड मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, बिल्कुल देखिए, इफ टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट, अच्छा मैं 2 के लिए लिखा रहा हूं, ये 3-4 के लिए भी वैलिड होगा, ठीक है, इफ टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट या 2 or more कर लो, ज्यादा 2 or more
bodies are in contact and moving with same acceleration, then we can treat them as a single body. रूल ध्यान रखना, तभी सिंगल बॉडी होगी जब उनके बीच कॉन्टेक्ट होगा और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. और ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कितने आराम से सॉल्व होगा. मैंने आपसे क्या कहा, 10 और 5 पुश किया 30 से, वर्बली सॉल्व हो जाएगा. हमें पता है ये एक्सेलरेशन दोनों का सेम है और ये दोनों कांटेक्ट में है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 10 केजी वाले से 5 केजी वाले को पुश कर रहे हो. ठीक है, तो आपने कहा सर ये सिंगल बॉडी हमने ट्रीट कर ली. ओके, तो अब सिंगल बॉडी का 15 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. 30 और ए एक्सेलरेशन, ये नीचे वेट और ऊपर नॉर्मल एन डैश कह रहा हूं. ठीक है, बात समझ में आई. N1 N2 नहीं निकाल पाएंगे, N1 N2 के लिए तो सेपरेट बनाना पड़ेगा, बट यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे. हाँ, कितना, 15 A इज इक्वल टू 30 या A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैं तो पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, आप इसे वर्बली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. हाँ, यहां ध्यान रखना ये स्मूथ होना चाहिए, तभी ऐसा होगा. फ्रिक्शन वाले केस बाद में करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इसमें आपके पास 5 केजी, 3 केजी और 2 केजी के ब्लॉक्स हैं जिनके बीच में स्ट्रिंग लगी हुई है. ठीक है, आप 20 न्यूटन से इसे पुल कर रहे हैं. आपको बताना है T1, T2, T3 एंड एक्सेलरेशन. T1, T2, T3 एंड एक्सेलरेशन. हाँ जी, क्या तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, हाँ या ना? देखिए, मैंने सरफेस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो आप आंख बंद करके अज्यूम कर लेंगे कि ये सरफेस स्मूथ है. ठीक, अब बेटा ये जो रस्सियां बंधी हुई है ना, जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही तो ये भी आगे बढ़ेगा. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? 3 केजी वाला जितना, क्योंकि रोप हमने आपसे क्या कहा था, एक टर्म लिखा था आपको इनएक्सटेंसिबल, जिसमें हमने कहा था कि ये स्ट्रेच नहीं हो सकती, याद आया? हाँ जी, तो आपको उनको अनस्ट्रेचेबल मानना है. टाइट जरूर है लेकिन लेंथ में चेंज नहीं आएगा. तो 2 केजी वाला मान लीजिए 1 मीटर आगे गया, तो 3 केजी वाला भी 1 मीटर ही आगे जाएगा. इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा. बात समझ में आ गई? आप चाहें तो सिंगल बॉडी लेके कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए. हाँ जी बिल्कुल, तो सबसे पहले हम 5 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. 5 केजी का पहला फोर्स 5G, बहुत बढ़िया. नॉर्मल लगेगा, कितने, एक नॉर्मल लगेगा, एक ही तो कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो ये हमने नॉर्मल लगा दिया, इसे हम N3 कह ले रहे हैं. हाँ, इसको थर्ड ब्लॉक मान लिया, इसको सेकंड ब्लॉक मान लिया, इसको फर्स्ट ब्लॉक माना, तो N3 नाम दे दिया हमने. ठीक है, ओके, और कौन सा फोर्स, बिल्कुल सही बात आपकी, यहां पर टेंशन आएगा और ये टेंशन कौन सा होगा, T3. ठीक है, अच्छा, और कोई फोर्स, वेट लग गया, नॉर्मल लग गया, टेंशन स्प्रिंग है नहीं, फ्रिक्शन की चिंता नहीं. अच्छा जी, साथ में एक एक्सेलरेशन दिखाएंगे, ये हमने दिखा दिया ए एक्सेलरेशन. बात समझ में आई? अच्छा, अब देखिए 3 केजी वाले को बनाते हैं. 3 केजी वाले को यहां पे 5 भी लिख देना जिससे क्लियर रहे. ये 3 केजी वाला है, पहला फोर्स, ओके 3G, यहां पे N2 कह दिया. टेंशन कितने, कितनी स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग है.
ठीक है, टी टू किधर, आगे, टी थ्री किधर, पीछे। टी थ्री देख रहे हैं किस पे लग रहा है, ये डिसाइड करेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। 5 kg पे आगे की ओर है और 3 kg पे पीछे की ओर है। यहां देखो ऐसे बना होगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये एरो क्यों बने होते हैं, दो दो एरो, कौन सी डायरेक्शन लें? तो भाई 5 kg के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन और 3 kg के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। 5 kg से दूर जा रहा है, यस, इसलिए फॉरवर्ड है, ओके। और साथ में एक्सेलरेशन दिखाना मत भूलना, बिल्कुल ऐसे ही 2 kg का बना लेंगे। 2 kg में आगे लगेगा T1, पीछे लगेगा T2, ये लगेगा 2G और साथ में N1, ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं T1 की वैल्यू क्या है? T1 की वैल्यू बता दो जल्दी से। न्यूटन मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपको कोई स्ट्रिंग का मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं कहा गया स्ट्रिंग के बारे में, तो आप एक स्ट्रिंग पे सेम टेंशन एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और 20 न्यूटन से आप उसे पुल कर रहे हैं, तो आपके T1 की वैल्यू भी 20 हो जाएगी। तो T1 आपको पता है, बिल्कुल आप लिख लीजिए T1 इज इक्वल टू 20। अब जरा इक्वेशन बनानी है। हाँ जी, देखिए मैं y एक्सिस की इक्वेशन पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि y एक्सिस वाली इक्वेशन आप बड़ी इजीली बना लेंगे, उनमें कुछ नहीं रखा हुआ है। मुझे इंटरेस्ट है x एक्सिस की इक्वेशन में, ओके, फाइव, ओके, मैं इसको कह रहा हूं थर्ड ब्लॉक के लिए बनाइए पहले। T3 इज इक्वल टू 5A, ये इक्वेशन बनी फर्स्ट इक्वेशन, T3 इज इक्वल टू 5A बनी। अच्छा, फिर T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 3A, ये इक्वेशन बनी। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं। हाँ, और फिर एक इक्वेशन बनी होगी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2A, कितनों की ये इक्वेशन बन गई। ये 3 इक्वेशन अगर आपकी आ गई, देखिए क्यों आई, यहां पे मैं ए दिखाना भूल गया, चलिए ठीक है, हाँ इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। T1 बड़ा कि T2 बड़ा, T1 बड़ा कि T2 बड़ा, T1 बड़ा, बिल्कुल सही बात, क्यों T1 बड़ा, अरे वो खींच रहा है, उसको एक्सेलरेट कर रहा है, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, T1 माइनस T2। अच्छा, वैसे मैंने आपसे कहा था ये डायरेक्शन को x ले लीजिए, तो T1 आपका पॉजिटिव, T2 आपका नेगेटिव, किसके लिए, 2 kg ब्लॉक के लिए। 3 kg ब्लॉक के लिए T2 पॉजिटिव, T3 नेगेटिव, और 5 kg ब्लॉक के लिए T3 पॉजिटिव, ये बन गया। तीनों इक्वेशन को ऐड करो, तीनों इक्वेशन को ऐड करो, क्या आएगा, T1 इज इक्वल टू 10A आया, T1 इज इक्वल टू 10A, तो 10A इज इक्वल टू 20 आ गया। वो A आपका 2 m/s² आ गया, चेक कीजिए ये कितने लोगों का आ गया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर A आपका आ गया तो सारे इक्वेशन में पुट करके T1 तो पता ही है, T2 और T3 निकाल लो, ठीक है, T3 कितना आया, T3 10 N आया, ठीक है। अच्छा, T2 माइनस 10 इज इक्वल टू 3 × 2, तो T2 आपका कितना आ गया, 16 N, और T1 तो आपने पहले ही बता दिया था मुझे 20 N था आपका T1। बात समझ में आई, ये बड़ा आपका होमवर्क रहा। इंक्लाइंड प्लेन पे 2 ब्लॉक रखे गए हैं, दोनों सेपरेट ब्लॉक हैं, कांटेक्ट में रखे गए हैं, ठीक है, और आपने इनको रिलीज कर दिया, स्मूथ सरफेस है, दोनों
स्लिप करने लगेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में. फाइन, आपको मुझे बताना है ए थ्री ए फाइव और इनके बीच का रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन थ्री एंड फाइव. क्लियर? बहुत आराम से कीजिएगा. हाँ, अलग अलग ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा, आ जाएगा. ठीक है, चलिए. तो ये आपका होमवर्क हो गया. और अब एक आपको पुली सिस्टम दिखा रहा हूं, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं. तो ये तो आपका होमवर्क हो गया. एक ये लीजिएगा, एक हमारे पास बेटा ऐसे पुली है और इस पुली पे हमने एक स्ट्रिंग, इसके ऊपर से डाली और यहां पर हमने ब्लॉक लगा दिए. एक 10 केजी का ब्लॉक है, एक 5 केजी का ब्लॉक है. ठीक है, इसके लिए एक टर्म यूज होता है, एटवुड मशीन. हो सकता है किसी बुक में आपको ऐसे मिले. तो एटवुड मशीन कुछ नहीं है, ये वाली आपकी जो है पुली सिस्टम है. आप जरा सोचिए कि इसमें क्या होगा, क्योंकि मैंने किसी कुछ मेंशन नहीं किया, इसलिए सारी सरफेसेस आप स्मूथ लेंगे. ठीक, तो कौन नीचे आएगा? 10 केजी वाला. तो आपने कहा से ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, 5 केजी वाला उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा. ये बात समझ में आई? 1 सेकेंड में अगर आपका 10 केजी वाला ब्लॉक लेट्स से 1 मीटर नीचे आया, तो 5 केजी वाला 1 मीटर ही ऊपर जाएगा. ठीक है, अच्छा. सबसे पहला काम, जैसे ही आपको कोई स्ट्रिंग दिखे तो अपने सर का टेंशन उसको दे दीजिए. समझ में आया? तो भाई टेंशन तो उसी के पास होता है ना, टाइट स्ट्रिंग के पास. तो उसको दे दो, अपने रिलीज हो जाओ, लूज हो जाओ अपने. बढ़िया, ठीक है. हाँ, तो आपने कहा यहां पे टेंशन, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन सेम. बात समझ में आ गई? चलिए अब बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. 10 केजी का प्री बॉडी डायग्राम बनाइए, 10 केजी का. हाँ, कोशिश कीजिए, मैं भी बना रहा हूं आपके. 10 केजी का मैंने सबसे पहले एक ब्लॉक दिखाया और यहां पे मैं 5 केजी का भी ब्लॉक दिखा रहा हूं. पहला फोर्स, बिल्कुल सही बात आपने कहा, वेट. ठीक है, ओके. ये आपने कहा 10 जी. अब भाई एक चीज का ध्यान रखना, नॉर्मल मत लगा देना. ये ग्राउंड है, हवा में लटका हुआ है, तभी तो ऊपर नीचे जाएगा. ग्राउंड में हो ये मत कर देना, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ, ये ग्राउंड नीचे है भाई, काफी डिस्टेंस पर है. तो हमें तभी बात करनी है जब वो हवा में मूव कर रहा है. तो नॉर्मल मत लगा देना इस पर, ठीक है? नहीं, कई बार करते हैं भाई, बोले सर नॉर्मल लग रहा होगा, आपने तो बताया था नॉर्मल लगता है. अरे नॉर्मल लगता है जब ग्राउंड पे टच करेगा, तभी तो नॉर्मल लगेगा. यहां पर बिल्कुल टेंशन होगा. टेंशन किधर होगा? 10 केजी वाले ब्लॉक पे, ऊपर की ओर. ये समझ में आया? और 5 केजी वाले पे भी ऊपर ही होगा. बिल्कुल ठीक. अच्छा, एक्सेलरेशन किधर? एक्सेलरेशन किधर? इस पे डाउन. 5 केजी का बनाओ, 5 केजी का. वेट कितना? 5G. टेंशन कितना? P. एक्सेलरेशन किधर? ऊपर. ओके, अब ध्यान रखना, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है. ठीक है, इक्वेशन क्या बनी आपकी 10 केजी के लिए? देखो, यहां x एक्सिस मानने की जरूरत नहीं, केवल y एक्सिस से आपका काम हो जाना, क्योंकि मोशन है ही एक डायरेक्शन में. तो x क्यों माने? और ना वहां पे कोई फोर्स है, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स है ही नहीं. ठीक है, अब याद रखना, जिधर एक्सेलरेशन उधर पॉजिटिव मान लो. ये नीचे जा रहा है तो फर्स्ट केस के लिए ये पॉजिटिव मान लेगा. इक्वेशन क्या बनेगी? 10g - t = 10a. कितनों की ये इक्वेशन बनी? और कितनों ने ये इक्वेशन बनाई? दोनों चीजें बता देना मुझे. देखो, सही गलत वाली बात नहीं है, ये दो इक्वेशन बन के आई होंगी, मुझे पता है. मैं यहां से बैठ के बता दूंगा कि किसी ने क्या क्या बनाई है.
ये जितनों ने बनाई वो गलत हो गई। क्यों गलत हो गई वो बता रहा हूं। देखो, या तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखो, t माइनस 10g इज इक्वल टू माइनस 10a। क्यों लिखोगे? अरे एक्सेलरेशन भी तो नेगेटिव हो जाएगा मेरे भाई। आपने जो है ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली, तो आपका ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, तो इसको भी तो माइनस ए लिखोगे। हाँ, तो अब क्या हो गया, 10g माइनस t इज इक्वल टू 10a। यही दोबारा ये क्वेश्चन देखो, इसलिए गलती होती है। आप यहां पर ये a को नेगेटिव लिखना, फोर्स को तो नेगेटिव कर देते हो बड़े मजे से, एक्सेलरेशन को नेगेटिव करना भूल जाते हो। तो तरीका क्या है, कॉमन सेंस लगाओ। 10g माइनस t किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अरे 10g बड़ा होगा ना t से, तो 10g माइनस t इज इक्वल टू 10a लिख दो। 10g माइनस t इज इक्वल टू 10a, समझ में आया? ये बनी पहली इक्वेशन। अच्छा, दूसरे वाले में क्या बनाओ। वहां पे किसको पॉजिटिव मानोगे, किसको पॉजिटिव मानोगे, t को या 5g को? जिधर एक्सेलरेशन उधर पॉजिटिव, तो t को पॉजिटिव माना, तो इक्वेशन क्या बनी, t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a। बात समझ में आई? ये बेटा बहुत कॉमन मिस्टेक है जो यहां पे ग्रीन कलर से मैं आपको अभी हाइलाइटर से दिखा रहा हूं। समझ में आ रहा है इसमें क्या गलती है? याद रखना, इसको स्टार के साथ लिख लो अगर गलत बनाई थी, और सही बनाई थी तब भी लिख लो, क्योंकि अभी सही बनाई, बाद में कभी गलती कर सकते हो, होनी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कॉमन मिस्टेक है जो बताने के बाद भी स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक, बस आपके पास टी और ए दो अननोन थे, दो इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। ऐड करो दोनों इक्वेशन, 10g माइनस t इज इक्वल टू 10a एंड t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a। ऐड कर लो, कितना आया, 5g इज इक्वल टू 15a आ जाएगा। t तो कैंसिल हो गया बेटा, प्लस माइनस है ना, ये देखो t कैंसिल हो जाएगा। ओके, a कितना आ गया, a आपका आ गया g बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। के की वैल्यू आ गई जी बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ओके, और टेंशन किसी भी एक इक्वेशन में रख के टेंशन निकाल लो। तो पहले टेंशन निकाल लेते हैं, 10g या दूसरे वाले में रखें ना, ज्यादा आसान रहेगा, सीधे t आ जाएगा। t इज इक्वल टू 5g प्लस 5a, 5g प्लस 5g बाय 3, तो ये आपका 20g बाय 3 आ जाएगा। चेक कर लो, ये टेंशन आ रहा होगा।